नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र केएल फिनसर्व की तरफ से आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के चार ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, और उन चार बेनिफिट्स के अंदर मैं फिर और चार बेनिफिट्स को कवर करने वाला हूं। कुल मिलाकर के आज हम LIC के IPO के आने के बाद 16 ऐसे क्या फ़ायदे होंगे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जनरल पब्लिक को भी होने वाला है, उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, लिस्टिंग विल डिसिप्लिन द कंपनी। लिस्टिंग विल डिसिप्लिन द कंपनी का मतलब ये है कि जब LIC का IPO आएगा तो LIC का जो डिसिप्लिन है कंपनी का, एज अ मैनेजमेंट डिसिप्लिन है और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं डिसिप्लिन को लेकर के, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। नंबर दो, लेकिन जैसे ही ये IPO आएगा तो यहाँ पर ये टेंडेंसी, ये जो नंबर हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट जो अभी तक LIC एजेंसी नहीं लिए हैं वो LIC की एजेंसी सिर्फ इस वजह से भी लेंगे कि LIC का IPO भी सेल करेंगे। दूसरा, उसका बेनिफिट कंपनी को डायरेक्टली होगा, उसके इंश्योरेंस एजेंट्स और बढ़ेंगे। LIC को मेन पावर में और बेनिफिट कैसे होगा, कई सारे न्यू ओपनिंग्स LIC लेकर के आएगी। LIC के IPO के जो बिजनेस है उसको मेंटेन करने के लिए LIC को मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हो सकता है LIC और ज़्यादा रिक्रूटमेंट पर ध्यान दे, तो LIC की मेन पावर को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रास्टिकल चेंज आ। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के बीच में LIC ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स LIC कस्टमर ऐप के माध्यम से कस्टमर को उसके मोबाइल फ़ोन पे दे दी। LIC का जो IPO का हो सकता है एक प्रॉपर पोर्टफोलियो LIC कस्टमर ऐप में कस्टमर को बना के दे दिया जाए, और कस्टमर के सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कर दी जाए वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल स्टेप LIC के लिए है। लेकिन जैसे ही IPO आएगा, इसके ऊपर जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, मैन पावर बढ़ेगी और मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव होगा, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो जनरल पब्लिक को मिलेगा, और जनरल पब्लिक को जो माहौल मिलेगा LIC के बिजनेस में और LIC की पॉलिसी होल्डर्स को जो बिजनेस माहौल मिलेगा वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर सेकेंड बेनिफिट के बारे में, IPO आने के बाद दूसरा क्या बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा, उसमें ये कहा जाता है कि गेट एक्सेस फॉर मोर फाइनेंशियल नीड। कई लोगों का ये अपोजिशन में कहना हो सकता है कि LIC को फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है कहाँ, उसके पास तो इतना पैसा ऑलरेडी है। दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी हमेशा अगर ग्रो करना चाहती है तो उसको और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। सेम LIC के साथ भी है। LIC को जितना ज़्यादा फंड मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट्स उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली होने वाला है। तो इस बेनिफिट के अंदर में जो पहला बेनिफिट मिलेगा वो है, सबसे पहला बेनिफिट होगा LIC को जो इन्वेस्टमेंट के तौर से जो पैसा अभी मिल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉलिसी होल्डर्स और ज़्यादा पॉलिसीज़ लेंगे, इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इसमें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेकर के LIC में इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर दूसरा बेनिफिट ये होगा, LIC का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। LIC का जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाएगी। LIC का जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल अगर IPO इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि 2020 या 2021 में अगर IPO इंट्रोड्यूस होता है, तो LIC का जो प्रॉफिट, जो मार्जिन है LIC का, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एसेट अंडर मैनेजमेंट और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और LIC के जो बोनस रेट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है उसमें 1,00,000 करोड़ रुपये का या उससे ज़्यादा का जो टारगेट है वो केवल और केवल LIC से उम्मीदें हैं। बात करते हैं नंबर थर्ड बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो शेयर मार्केट में 2% से ज़्यादा लोग आज के डेट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी ने ये अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि वी आर aims to benefit the retail investors with the help of IPO. So IPO आने के बाद retail investors को इसका directly benefit मिलेगा, और ये number जो 2% है ये और ज़्यादा increase होने के chances हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि retail investors के लिए 10% का कोटा ऑलरेडी इसमें
फिक्स्ड है, वो केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब मैं और आप जैसे लोग, हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर, वो हमारे लिए कोटा फिक्स है। जितना भी इसका स्टेक होगा 100% में से 10% हमारे लिए फिक्स है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर रिटेल कस्टमर, रिटेल इन्वेस्टर को फोकस करके 10% कोटा फिक्स कर दिया जा रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि LIC एजेंट्स के लिए और LIC के स्टाफ के लिए मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए 5% एडिशनल कोटा यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। अभी इस बात पर अभी कन्फर्मेशन नहीं है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है, जो रिटेल कस्टमर्स के बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जनरल पब्लिक भी IPO में इंटरेस्ट दिखा रही है दोस्तों। अब हम लास्ट पॉइंट के ऊपर में बात करने वाले हैं, और वो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, और वो है ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों आज की डेट में LIC कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, LIC के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, LIC को कहाँ कोई लॉस तो नहीं हो रहा, या फिर LIC के कोई ऐसे एसेट्स तो नहीं है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके LIC ने गलती कर दी है। तो ये जितने भी सवाल आपके हैं, इन सारे के सारे सवालों का जो आंसर है वो आपको SEBI के माध्यम से मिल जाएगा। क्यों? IPO आने के बाद LIC को SEBI के अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो पार्लियामेंट है वहाँ पर कई सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, LIC का जो इंश्योरेंस है 1956 है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। चैलेंजिंग रोल है यहाँ पर LIC का इसकी वैल्यूएशन को लेकर के। लेकिन ये जब सारी चीज़ें मार्केट में होकर के आ जाएंगी, तो उसके बाद में जो ट्रांसपेरेंसी वाला कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जनरल पब्लिक को एक्सेसिबिलिटी का होगा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि हर क्वार्टरली इसकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो पब्लिश की जाएंगी। LIC को ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है। नंबर दूसरा बेनिफिट क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स LIC के 30% तक पहुँच चुके, लेकिन जैसे ही LIC SEBI में रजिस्टर्ड होगी उसको और ज़्यादा माइंडेड लोग मिलेंगे पब्लिक सेक्टर की तरफ से, जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है IPO के इंट्रोड्यूस होने के बाद। LIC का NPO और ज़्यादा घट जाएगा, ये गारंटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही LIC SEBI के अंडर में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो एक जनरल पब्लिक को, एक रिटेल इन्वेस्टर को LIC के हर चीज़ का, हर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो जाएगा, और टाइम टू टाइम वो उसको अपडेट मिलता रहेगा LIC कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IPO का कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद पता नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।